लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे नहीं पता? अजीब बात है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बताओ, क्या तुमने खुद दुनिया का हरी कोना देखा है? लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं। सही बोला। तुम्हारी कहने का मतलब क्या है? कहानी झूठी है? दुनिया में कई लोग कहते हैं कि उन्होंने डायनासोर को देखा है, पर ऐसे भी सबूत हैं जो बताते हैं कि वो नहीं है। हाँ, सुनियो की बात सही है। मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है ये। अगर डायनासोर जैसे बड़े जानवर आज की दुनिया में होते तो जगह जगह उनके निशान देखने को जरूर मिलते, लेकिन जगह जगह सिर्फ फॉसिल ही मिले हैं, जिनमें से हर एक फॉसिल कई हजार साल पुराना है। दोस्तों सुनियो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन पता है ये माना जाता है कि डायनासोर अभी दुनिया में नहीं है। हाँ, शायद ऐसा मानना सही है। नोबिता, तुम्हारी सोच तो कमाल है। पता नहीं नोबिता की सोच हमेशा कोसों मील पीछे क्यों रहती है। इसे कुछ नहीं पता। देखो रोबिता, तुम ये तो मत ही सोचना कि तुम टाइम मशीन की मदद से पीछे जाओगे और डायनासोर को लेकर आके ये कहोगे कि मैंने डायनासोर को पकड़ लिया। अफ्रीका में कोई डायनासोर है क्या? आ, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में? अमेरिका? टोक्यो? अगर एक एक करके पूछोगे तो कभी खत्म नहीं होगा। चलो ये बताओ, क्या अभी हमारी धरती पर कहीं भी कोई जिंदा डायनासोर है? अरे नहीं। उसे इस तरह से मत उड़ाओ जिया। लेकिन मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। उसे वापस कर दो, ऐसा मत करो। जिया, उसे वापस कर दो, वो बहुत दूर चला जाएगा। ये लो वापस किया। सुनो, वापस आ जाओ, दूर मत जाओ, रेंज से दूर मत जाओ। मैंने उसे अभी अभी खरीदा था। अब मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। अरे ये क्या है? अरे डायनासोर, 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 यहाँ पर डायनासोर कैसे आ गया? भागो, भागो। अरे कहाँ गया? नोबिता? क्या हुआ मॉम? पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है आज तुम्हारे किसी भी टेस्ट में जीरो मार्क्स नहीं आएंगे। नोबिता, ये क्या चीज है? ये तो बस एक खिलौना है ना डोरेमोन? नोबिता, सच सच बताओ, तुमको इस जीरो मार्क्स वाले टेस्ट पेपर तो नहीं छुपा रहे हो? मुझे नहीं लगता तुम पढ़ते ही नहीं हो। मुझ पर शक हो रहा है। क्या वो मेरे पीछे मेरे कमरे की तलाशी लेंगी? खरीद लिया। हाँ पता है, अब जब तक तुम अपने बेटों का कुछ नहीं करते हो घर
सुनिए तो मुझे बहुत परेशान करता है। सुनिए नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा दोस्तों, वो तो बस शायद मेरा वहम होगा। अगर हम ऐसे ही घूमते रहे तो शाम हो जाएगी, क्यों ना हम जाकर इस पहाड़ के पीछे कहीं दबा दें। पर अगर किसी ने यहाँ पे गड्ढा खोद दिया तो एक डॉगी ऐसा कर सकता है। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जरूर मेरा वहम होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ, मुझे ठीक लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डेकी सुगी। बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, मैं सही से सो पाऊंगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, क्यों ना हम यहाँ पर एक अच्छा सा सेफ्टी बॉक्स बना दें।
सके? क्या हम ऐसा कर सकते हैं डोरेमोन? खराब हो गया है। अरे आखिर इस बात का मतलब क्या हुआ? शायद मेरा दिमाग तेज है और दिल अच्छा है, इसलिए वह मेरे दिमाग में बैठ गया है। मैं भी ऐसा ही हूँ। क्या सच में? क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरी मॉम भी मुझे हमेशा यही बोलती है, जिया यहाँ बैठो, यहाँ काम करो, ऐसे चलता रहा तो मेरे भेजे का भेजा फ्राई बन जाएगा। मैं सोचता हूँ मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा इस सबसे दूर। वो एक गुफा है जिसे हम अपना सीक्रेट ठिकाना बना सकते हैं। वहाँ बहुत शांति भी है और कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा। लेकिन तुम इसे किसी को मत बताना, ठीक है? ये हमारा सीक्रेट है। हे नोबिता। अरे नहीं। मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। अब क्या करना है? क्या हम यहाँ से जा सकते हैं डोरेमोन? यहाँ पर बहुत सारी जगह है, जहाँ चाहे तुम अपना दुनिया बना सकते हो। मजा आएगा बहुत ज्यादा, एक दिन हम सारा घूम लेंगे। अरे वाह, ये कितना प्यारा कमरा है, यहाँ तो मैं बिना झिझक के अपना वायलिन भी बजा सकती हूँ। यहाँ पे शावर भी है। शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ एक स्टेज भी होता तो मैं अपना गाना प्रैक्टिस कर सकता था। तुम जो चाहे वो करो। क्या? मैं कॉस्ट्यूम लाता हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए? देखो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो बस अकेले रहना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। उसका सच में दिमाग खराब हो गया है। चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, लेकिन मुझे दुनिया से और उसके लोगों से बहुत दूर रहने का मन करता है। इतना दूर कि जहाँ पर बहुत सारी शांति हो और कोई भी मुझे परेशान ना करे। शायद इतना दूर काफी रहेगा। यहाँ शांति है, बहुत ज्यादा शांति है, लेकिन इतनी शांति भी बहुत अजीब लगती है। अरे ये क्या है, कैसी आवाज है ये? हेलो, नोबिता के घर से बोल रही हूँ। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं जियान बोल रहा हूँ। ओह अच्छा जियान, रुको। नोबिता, जियान का फोन है। नोबिता ने कहा था कि आज वो मेरे साथ ही पढ़ेगा, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं है?
अरे नहीं रुको, मैं भी उससे पूछती हूँ। माफ कर देना बेटा। नोबिता, ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ? अरे एक काम और। हेलो आंटी, क्या मैं जियान से बात कर सकता हूँ? मैं नोबिता बोल रहा हूँ। ओ हाँ, तुम जियान के साथ पढ़ाई करने वाले थे ना? हाँ हाँ यही है, भेजती हूँ। मैं आपको यही तो कह रहा था। ठीक है, मुझे लगा था तुम आज मेरी शॉप में मदद करोगे। मैं चलता हूँ। इतना सामान लेके कहाँ जा रही हो? वो आज मैं बहुत सारा पढ़ने वाला हूँ। हाँ जियान भी आ गया। दरअसल मॉम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मुझे देर हुई। चलो अब चलते हैं। चलो चलते हैं। अब मैं जाता हूँ। चलो बाद में मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? मुझे तो पहले ही पता था। ये तो क्या तुम तैयार हो मेरा गाना सुनने को? ये वाह, लगता है सब लोग मजे कर रहे हैं। मुझे सबको ऐसे ही मजे करने देना चाहिए। वो यहीं पर है, यहीं पर मैंने उन डायनासोर के झुंड को भागते हुए देखा था। वो डायनासोर जो शायद करोड़ों साल पहले दुनिया से लुप्त हो चुके हैं। क्या मैंने डायनासोर के भूत को देखा था? क्या उनके भूत आज भी इस दुनिया में घूम रहे हैं? इस बार कैमरा की मदद से मैं सब रिकॉर्ड करूँगा, शायद मुझे वहाँ कुछ दिख जाए। मैं नीचे उतर के देखता हूँ। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। अरे ये तो मेरा रिमोट कंट्रोल प्लेन है जो नदी में डूब गया था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे ये क्या है? शायद रिमोट कंट्रोल प्लेन का भूत है। अरे देखो लगता हाँ? है ये तो सुनियो का वीडियो कैमरा है। क्या बात है? हाँ? उसे अपना सामान संभालना बिल्कुल नहीं आता है। अरे वो अपना कैमरा छोड़कर कहाँ जा सकता है? लगता है वो बिना बताए लौट गया है। आजकल वो हम सब से बहुत दूर रहने लगा है। कहीं हम में से किसी ने सुनियो को कुछ कह तो नहीं दिया ना? हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा। उसका दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें कहना चाहिए कि आजकल वो परेशान है। नहीं, दिमाग ही खराब हुआ। हाँ?
मुझे तो इन दोनों ने बोला कि आपके घर पढ़ाई करने आ रहे हैं। नहीं, मैंने तो सोचा था कि वो आपके घर पर पढ़ रहा है। क्या इसका मतलब? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब जियान की खेल जाने मुझे कैसे छूट बोला पर उसको घर आने का। ये क्या हुआ? पापा चलते हैं। हाँ, तुम दोनों के लिए वही सही रहेगा। वो मानेंगे ही नहीं कि हम पढ़ रहे थे। जियान, लगता है हमें कोई नया बहाना सोचना होगा। चलो चलते हैं। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सुन रहे हो ना? अब से तुम इसीलिए अब से तुम स्कूल के अलावा और कहीं नहीं जाओगे, समझे? अरे नहीं मॉम, डरे मत। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? बंद करो। तुम जाकर उन्हें यहाँ ले आना। तुम इतना तो कर ही सकते हो डोरेमोन। अरे ये क्या चीज है? मैं अपने कमरे से बाहर निकले बिना उस गुफा में जा सकता हूँ, है ना? ऐसी चीजों में उसका दिमाग बहुत अच्छी तरह चलता है, पर पढ़ाई में नहीं। हाँ, लगता है ये किसी मेन हॉल का ढक्कन है। चलो चलो इससे खेलते हैं, ऐसे करके करो।